कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। प्लाट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। बैतूल जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक दत्तक पुत्री ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके पिता बॉयफ्रेंड से मोबाइल पर बात करने से मना किया करते थे और उसके साथ घूमने नहीं जाने देते थे। इसको लेकर अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतार दिया, साथ ही लाश को कंबल में लपेटकर घर के पीछे झोपड़े में छिपा दिया था। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मामला एमपी के बैतूल के सारणी इलाके का है, जहां पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को सारणी पुलिस ने इस कत्ल का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक 14 जनवरी को बबलू नागले ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके जीजा श्रीराम हुरमाड़े और उनकी गोद ली हुई नाबालिग लड़की सुभाष नगर में रहते हैं। उसकी श्रीराम से फोन पर बात होती रहती थी, लेकिन 12 जनवरी को बात नहीं हुई। 14 जनवरी को मोहल्ले के लोगों से पता चला कि श्रीराम हुरमाड़े के घर के पीछे बाड़ी में बनी टपरिया से बदबू आ रही है, उसकी लड़की देखने के लिए जाने नहीं दे रही है। तब बबलू श्रीराम के घर गया और उसने दरवाजा खुलवाकर झोपड़े में श्रीराम की लाश कंबल में लपटी हुई मिली, जिसके सिर पर चोट लगी थी और गला कटा हुआ था। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना सारणी के अंतर्गत चौकी पाथरखड़ा के सुभाष नगर में दिनांक 14/1/21 को फरियादी बबलू पिता केशव नागले ने रिपोर्ट किया था कि इसका जो जीजा है श्रीराम हुरमाड़े उसकी नाबालिग गोद ली हुई बालिका के साथ में रहता था, और इसने फरियादी बबलू नागले ने दिनांक 12/1/21 को इससे बात हुई थी, और फिर 14 तारीख को जब इसने फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। इस जानकारी को तस्दीक करने के लिए ये जो फरियादी है इसका बहनोई बबलू नागले उसके घर पर आया और जाकर देखा तो उसका जो बहनोई था वो श्रीराम घर के टपरिया में एक कंबल से लिपटा हुआ कोई व्यक्ति उसको देखा। जब उसने उसको कंबल को हटाया तो वो इसका जो मृतक है वो उसके सिर में चोट थी और उसके गले में भी कटा हुआ निशान था। इससे लगा कि उसमें किसी के द्वारा उसकी हत्या की गई है। इसकी रिपोर्ट पर थाना सारणी में अपराध क्रमांक 32/21 धारा 302 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एडिशनल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और टीआई सारणी के निर्देशन में इसमें टीम गठित की गई, और विवेचना के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें जो उसकी जो लड़की थी जिसको जो नाबालिग है वो दत्तक पुत्री थी, और इसमें एक अनवर खान है, पिता असलम खान ये आज़ाद नगर पाथरखड़ा का है, और शेखर मौबे है ये आमला का निवासी है, और एक अनु राजू पिता राजू सोनर के 20 साल का है। इन्होंने मिलकर के मृतक की सब्बल से और धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई थी। प्रकरण में जो है उसका इसके पीछे हत्या का कारण ये मालूम हुआ कि जो दत्तक पुत्री थी उसको मृतक बाहर घूमने जाने से और उसके बॉयफ्रेंडों को फ़ोन करने से मना करता था, इस वजह से उसकी जो दत्तक पुत्री है उसने और उसके बॉयफ्रेंडों ने मिलकर के उसकी हत्या की। जी सर, ये हत्या कितने दिन पहले हुई थी और इसका खुलासा कैसे हुआ, पुलिस को इस बारे में जानकारी कैसे मिली? हाँ, ये पड़ोसियों ने बताया था कि वो उसके जो घर के जो श्रीराम हुरमाड़े हैं मृतक के घर के पीछे जो टपरिया बनी हुई है उसमें से बदबू आ रही है, और जो उसकी दत्तक पुत्री है वो वहाँ पर लोगों को जाने नहीं दे रही है। इस कारण से लोगों को शंका हुआ कि आखिर क्या कारण है, और बदबू भी आ रही है जी। तो वो फिर उसका जो बहनोई है अपना बबलू नागले उसने बताया कि जाकर देखा वो कंबल को हटाया तो फिर वो मृतक श्रीराम की डेड बॉडी वहाँ पाई गई। सागर टीम न्यूज के लिए बैतूल से महेश चंदेल की रिपोर्ट। बनाए अपने सपनों का घर कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ प्राकृतिक सुंदरता के बीचों बीच आचरण इको सिटी कनेरा देव बागराजवाड़ सागर।
जिनमें आपको मिलेगा सभी शासकीय अनुमतियां, सभी बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, बच्चों के खेलने के उपकरणों सहित हरे भरे पार्क, चौड़े कंक्रीट रोड, कवर्ड कैंपस सहित सुंदर एवं विशाल प्रवेश द्वार, 24 घंटे पानी की सुविधा, क्लियर ड्रेनेज सहित अंडरग्राउंड सीवर लाइन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्लाट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें ऑफिस HIG 6 जिया मापुरम कॉलोनी फेज 2 मेडिकल कॉलेज रोड तिली वार्ड सागर मध्य प्रदेश। हमारे नंबर है 7770881169617310803।